वेलकम टू साइबर वैली माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो से बात करेंगे। अगर आपके पास एयरटेल मित्रा है, आप एक एयरटेल सीएसपी चालक है, संचालक है, तो आप अगर कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग कर रहे, उसको पासबुक देना चाहते हैं और पासबुक भी टाइपिंग वाला, कैसे दे सकते हो, कैसे प्रिंट कर सकते, पासबुक में कैसे सेटअप कर सकते, सारे चीज आज हम इस वीडियो से बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक साइबर वैली को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। देखिए भाई साहब, अगर आपको पासबुक में प्रिंट करके लगाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, चलिए बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट आपको जो चीज चाहिए वो है स्मार्ट सीएसपी का आईडी, क्योंकि इसमें आप एयरटेल पेमेंट बैंक का पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको पहले स्मार्ट सीएसपी का आईडी लेना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या स्क्रीन में नंबर है, उसमें व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, ठीक है। आईडी लेने के बाद फर्स्ट टाइम आपको क्या करना होगा, वॉलेट में बैलेंस ऐड करना होगा। यहाँ पर देखिए वॉलेट है, इसमें बैलेंस ऐड करना होगा। बैलेंस ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक पासबुक प्रिंट में क्लिक करना होगा और इस सर्विस को एक्टिव करना होगा तो प्रेस ओके में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कौन सा सर्विस का कितना चार्ज है और कौन सा सर्विस का एक्टिवेशन चार्ज है, वो आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए। देखने के बाद देखिए यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक का पासबुक एक्टिव चार्ज जो है ये वन टाइम आपको देना होगा, क्योंकि जो भी भाई यहाँ पर आते हैं सारे बैंक का पासबुक प्रिंट का आपको एक्टिव करने का जरूरत नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको ओनली एयरटेल चाहिए तो एयरटेल को एक्टिव कीजिए और यहाँ पर सबमिट में क्लिक कीजिए, आपका वॉलेट से 29 रुपया कट जाएगा। उसके बाद आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का सर्विस एक्टिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक का सर्विस एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर हम एयरटेल पेमेंट बैंक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा, इस फॉर्म को हमको फिल करना है और सबमिट में क्लिक करेंगे तो हमारा पास प्रिंटिंग वाला जो पासबुक होता है वो रेडी हो जाएगा। चलिए हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। यहाँ पर हम डेट, अकाउंट ओपनिंग डेट टाइप कर देंगे, उसके बाद सीआईएफ नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे। देखिए इसी तरह से अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, जो कस्टमर का अकाउंट आपने ओपन किया तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए, पर फादर नेम टाइप कर दीजिए। देखिए एड्रेस टाइप कर दीजिए, पिन कोड टाइप कर दीजिए, पैन नंबर टाइप कर दीजिए, आधार नंबर टाइप कर दीजिए, मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए। सिलेक्ट अकाउंट में एयरटेल में जितना तारा का अकाउंट ओपनिंग होता है यहाँ पर सारा है, तो यहाँ से एक अकाउंट आप सिलेक्ट कर लीजिए। पासबुक इश्यू डेट में आप जिस तारीख में पासबुक को प्रिंट कर रहे हैं उसी डेट यहाँ पर दे दीजिए, उसी डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। बीसी कोड में आपका मोबाइल नंबर दे सकते हैं या अगर आपको बीसी कोड पता है तो लिखिए, तो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। बीसी नेम यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, चलिए हम साइबर वैली लिखते हैं। बीसी एड्रेस यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपका जो नियरेस्ट कोई लैंडमार्क है उसको यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पासबुक प्रिंटिंग चार्ज देखिए 2 रुपया है, तो सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एयरटेल बैंक पासबुक सबमिट सक्सेसफुली, ओके में क्लिक करेंगे। ओके में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए राज मंडल बोल के जिसका एयरटेल बैंक का पासबुक प्रिंट किया, तो ये पीडीएफ हमको डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड नाउ में क्लिक करेंगे तो हमारा पास पीडीएफ डाउनलोड हो गया। इसको हम ओपन करेंगे तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी का पासबुक है। इसको आपको प्रिंट करके कस्टमर को देना है, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पर प्रिंटर में क्लिक कीजिए, आपके पास जो भी प्रिंटर है उससे आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। आज हम इस वीडियो से तो कंप्लीट बात करेंगे, आप कैसे इसको पासबुक में सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ये जो प्रिंट कर लिया आपने,
उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कोई भी एक कलर प्रिंटर होना चाहिए। आपके पास कोई भी एक कलर प्रिंटर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा कलर प्रिंटर है, ऊपर में हमारा क्या है, A4 पेज है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कोई भी एक प्रिंटर होना चाहिए। चलिए हम प्रिंट कलम देते हैं, प्रिंट में क्लिक कर दिया तो हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रिंटिंग है कंप्लीट हो गया। ये हम A4 पेज में प्रिंट कर लिया। A4 पेज में क्यों प्रिंट किया? क्योंकि इसको हमको पासबुक में लगाना है, तो इसलिए हम A4 पेज में इसको प्रिंट कर लिया। आपको इसी तरह से आपका पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है ये A4 पेज में प्रिंट आउट करके लेना है। देखिए पासबुक में इसको सेटअप करना है, तो पहले आपके पास इस तरह से कोई पासबुक होना चाहिए। अगर पासबुक नहीं है तो दूसरे एक सिस्टम है हमारा, उससे आप पासबुक दे सकते हैं कस्टमर को। तो ये जो हम स्मार्ट CSV में प्रिंट किया, इसको पासबुक में सेटअप करना है। तो पासबुक में सेटअप करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ओनली दो चीज चाहिए, एक स्केल और एक ग्लू चाहिए, जिससे आप पासबुक में सेटअप कर सकते हैं। तो ये तो हर साइबर कैफे में रहता है स्केल और ग्लू, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। पहले आपको इसको क्रॉप करना है, तो यहाँ पर हमको इसको सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए इसको हमको ठीक से क्रॉप करना है, तो हम स्केल से क्रॉप कर लेंगे। देखिए इसी तरह से जिसके पास ये ऊपर का पोजीशन हम बात दे दिया, उसके बाद हम ऐसे इसको क्रॉप कर लेंगे। देखिए इसी तरह से इसको हम पासबुक में सेटअप करेंगे। ये जो है इसके लिए एक बार हम इसको सही से देख लेते हैं, सही है या नहीं है। तो सही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस साइड को थोड़ा कट देंगे इसी तरह से, क्योंकि साइड ज्यादा लंबा है। साइड को क्रॉप कर देने के बाद इसको हमको लगाना है पासबुक में। उसके पहले इसमें हम थोड़ा ग्लू लगा देंगे, तो ग्लू के लिए इसको हम इसी तरह से, देखिए इसी तरह से आपको ग्लू लगा लेना है। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, पासबुक में लगाना है। तो पासबुक हमारे पास आ गया, इस यहाँ पर हमको लगाना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, पासबुक में लगा देना है। तो ये आपका हो गया प्रिंटिंग वाला पासबुक। इसी तरह से आप कस्टमर को प्रिंटिंग वाला पासबुक दे सकते, देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी का है। ये जो प्रिंटिंग हुआ इसका आईडी अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन में जो नंबर है उसमें व्हाट्सएप कर सकते। अगर आपको पासबुक चाहिए तो भी स्क्रीन में जो नंबर है उसमें व्हाट्सएप कर सकते, बैंक पासबुक। और अगर आपको आईडी चाहिए तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से आप रजिस्टर कर सकते हैं, आईडी ले सकते हैं, बैंक पासबुक ऑर्डर कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक साइबर वैली को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग अपडेट के साथ।